हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापा स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ मैं IQ का मोबाइल IQ Z9X। मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और जानेंगे सब फीचर्स के बारे में। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस बॉक्स के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक कलर का बॉक्स दिया गया है अपने पास एंड इसमें वेरियंट है 6 GB रैम 128 GB रोम वाला वेरियंट है एंड टेमाडो ग्रीन कलर का ये डिवाइस है दोस्तों। एंड चलते हैं बिना किसी तरीके, इसको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। अनबॉक्सिंग करने पर ही आपको मिल जाता है देखने के लिए एक डिवाइस, सेल फोन, जो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है एक केस कवर ट्रांसपेरेंट, जो काफ़ी सॉफ्ट कवर है एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देखेंगे मिल जाते हैं। एंड गाइस आपको देखने मिल जाता है एक एडाप्टर, जो आपका 44 वाट का फ्लैश चार्जर है, काफ़ी फास्ट करेगा चार्ज दोस्तों। एंड आपको मिल जाती है एक USB केबल जो टाइप सी है और टाइप ए। एंड गाइस आपको मिलता है एक सिम एक्टर टूल्स। अब चलते हैं बिना किसी तरीके डिवाइस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो आपको डिवाइस काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आपको देखने को मिलती है गाइस। एंड इस पे IQ 00 इस पे मेंशन किया गया है इसमें ब्रांडिंग। एंड पीछे डुअल सेटअप साथ कैमरा देखने को मिलता है एकदम स्क्वायर टाइप में, इसका डिजाइन दिया गया पीछे कैमरा मॉड्यूल। एंड आपको LED फ्लैश 50 MP का इसमें एपर्चर लिखा हुआ है इसके ऊपर मेंशन किया गया है दोस्तों। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना प्लास्टिक मटेरियल में आपको देखने को मिलती है गाइस। एंड पीछे तो ऐसे डिजाइन लग रहा है जैसे कि पॉलिश में झाड़ू लगा के इसके पीछे से झाड़ू कर दिया गया है दोस्तों, इस हिसाब से डिजाइन है। बॉटम में आपको मिल जाता है स्पीकर टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm का ईयरफोन जैक दोस्तों। एंड गाइस आपको मिलता है साइड में फिंगरप्रिंट दिया गया है एंड वॉल्यूम के बटन भी दिए गए हैं साइड में, ऊपर कुछ नहीं दिया गया है साइड में। और इधर आपको मिल जाता है सिम डालने के लिए सिम स्लॉट मिल जाता है देखने के लिए, जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसमें। एंड काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट सेट है दोस्तों। और गाइस 199 ग्राम का इसका वेट है, 7.9 mm इसकी थिकनेस है, काफ़ी लाइट वेट सेट है एक गाइस। एंड इसमें बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका, क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है, मतलब बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, आपको डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है 6.72 inches डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले दी गई है दोस्तों एंड फुल HD LCD डिस्प्ले दी गई है गाइस। एंड काफ़ी है इसके विद पंच होल डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा है, मतलब कम बजट में आपको 5G सेट मिल जाता है देखने के लिए दोस्तों। एंड इसकी रिफ्रेश रेट आपको मिल जाती है 90 Hz, आजकल 20 Hz आती है 120, लेकिन बजट के हिसाब से 90 Hz ही इन कंपनियों ने दिए दोस्तों। लेकिन चलने पर तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है गाइस। एंड इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, आगे बात करेंगे और भी फीचर्स के बारे में दोस्तों। ये डिवाइस 3 वेरियंट के साथ लॉन्च हुई है, 4128, 6128 और 8128, 3 वेरियंट के साथ लॉन्च किया है कंपनी ने इसमें। एंड इसके अबाउट सेटिंग की बात करते हैं, अबाउट सेटिंग में आपको दिखाता हूँ लाइव इसके अंदर और भी क्या क्या फीचर्स होने वाले इसके अंदर में, जिसकी मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट सेटिंग में जाके, जिसकी देख पा रहे होगे आप। इसमें फ्रंट टच OS का 14 वर्जन देखने में मिलता है लेटेस्ट, और डिवाइस नेम भी दिया गया है IQ 00 Z9X 5G, और इसमें प्रोसेसर दिया गया है 2.2 GHz स्नैपड्रैगन 6th Generation फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एंड इस पर 6 GB रैम 128 GB रोम वाला वेरियंट है, प्लस 6 GB और हो जाएगी इसमें रैम, मतलब एक्सटेंड रैम कर सकते हो, मतलब 6+6 12 128 GB वाला वेरियंट बन जाएगा दोस्तों। एंड्रॉइड 13 दिया गया है देश की दिख पा रहे हो आप, 120 Hz इसमें फोन स्टोरेज दिया गया है दोस्तों। वर्जन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है एंड इसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, 6th Generation का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है आपको कम बजट में। एंड इसमें देख सकते हो आप, इसमें रिफ्रेश रेट आपको दिखाता हूँ देखने के लिए, स्टैंडर्ड लगा सकते हो आप, जैसे की लगाना आपको वैसे आप लगा सकते हो, इसमें दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसमें 120 Hz का भी ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए दोस्तों, काफ़ी स्मूथ नेता एकदम बढ़िया सेट है। एंड गाइस इसकी मैं आपको कैमरा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ लाइव, जैसे कि देख पा रहे हो आप चलाने पर काफ़ी स्मूथ चल रहा है दोस्तों। मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ टेस्ट, इसका 50 MP का रियर कैमरा है, प्लस 2 MP का डेप्थ कैमरा है, जिसके आप देख पा रहे होंगे नाइट का मोड है, इसमें आपको जूमिंग देखने मिल जाती है 10x। कैमरा क्वालिटी ठीक है, काफ़ी कम बजट में निकाला तो कैमरा क्वालिटी ठीक है, परफॉर्मेंस 50 MP के हिसाब से तो अच्छा है। एंड IQ का मोबाइल है, प्रोसेसर वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया गया, मतलब बजट फ़ोन है, अगर आपको खरीदना है परचेस कर सकते हो दोस्तों। एंड इसके और भी फीचर दिए गए, इसमें पोर्ट्रेट मोड वगैरह आपको देखने मिल जाता है इसमें, और भी मोड में इसमें 50 MP का इसका रियर कैमरा, पाइनोलैप्स, डॉक्यूमेंट्स, स्लो मोशन में का भी ऑप्शन मिल जाता है, टाइम लैप्स दिया गया है, प्रो नामा दिया गया है इसमें, और लाइव फोटो भी आप खींच सकते हो दोस्तों। मतलब ठीक है बजट के हिसाब से, मतलब सब फीचर्स दिए गए आपको अवेलेबल, और पंचुअल डिस्प्ले और बैटरी बैकअप के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है, मतलब और 6000 के हिसाब से आपको लगेगा नहीं कि इसमें 6000 mAh की बैटरी, काफ़ी लाइट वेट है, मतलब 7.9 mm का इस थिकनेस दी गई है,
और 199 ग्राम इसका वेट है। मतलब आप चलाओगे ना लगेगा कि हाँ फ़ोन अच्छा है। IQ के मोबाइल काफ़ी अच्छे आते हैं, मतलब गेमिंग फ़ोन, आप गेम वगैरह कर सकते हो इसमें, पबजी वगैरह खेलना है खेल लो आराम से, और फ्री फायर जो भी खेलना है आप खेल सकते हो दोस्तों। मतलब कम बजट में आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा लेना है और रैम रोम वगैरह भी अच्छी लेना है तो आप ये ले सकते हो दोस्तों। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस में 13,000 रुपये में 6128 और 6128 आपको 14,500 में मिल जाएगा एंड 8128 16,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मतलब तीन वेरियंट में आपको अमेजन पे कम प्राइस दी गई इसकी, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा ज़्यादा है और डिस्काउंट वगैरह भी आप लगा के आप इसमें और भी डिस्काउंट पा सकते हो। मतलब आपका 12,500 रुपये का डिस्काउंट आ जाता है आजकल, इतने बजट में आपको ये वाला मोबाइल पड़ जाएगा। अगर आपको परचेस करना परचेस कर सकते दोस्तों, एंड मैं इसकी लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। एंड वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय।